बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया 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 रे। श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की जय। ओ श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की जय। बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया 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 रे। विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए। विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए। चमक उठे हर राह उसकी ख्वाब सच हो जाए। चमक उठे हर राह उसकी ख्वाब सच हो जाए। श्री गणेश, ऐसे जो अच्छा काम शुरू करते हैं शुरुआत के लिए हम बोलते हैं श्री गणेश जी। वैसे अच्छे अच्छे काम के लिए भगवान के गणपति के कृपा से ये जो संकल्प होता है, घर के लिए हो, व्यक्ति के लिए हो, देश के लिए हो, समाज के लिए हो, जो भी अच्छा काम है, धार्मिक काम है, निर्विघ्न होकर के संपूर्ण फल हमको मिलना चाहिए। ऐसे गणेश जी के द्वारा बहुत उनका कृपा के द्वारा अभी देश में धर्म के लिए काम बहुत हो रहा है। अयोध्या में भी अच्छा काम हुआ है और भी होने का है अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर, और अच्छा हम काम होने के लिए गणेश जी का कृपा से ये सब होने के लिए सब प्रार्थना करना। जो अपने धार्मिक साहित्य में भगवद गीता प्रसिद्ध है, भागवत कथा भी प्रसिद्ध है, ये जो महाभारत है इतना बड़ा उत्तम ग्रंथ है महाभारत है, वो महाभारत ग्रंथ भक्तों को मिलने का गणेश जी का कृपा ही कारण है। श्री समाज का निर्माण का मार्गदर्शक ग्रंथ है महाभारत है। व्यास मुनि ने कहा, गणेश जी ने लिखा, वैसे महाभारत हमको उपलब्ध है। भारत में एक एक क्षेत्र में, प्रदेश में, उपासना के दिशा में एक एक भगवान का विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। सब जगह गणेश जी का पूजन होता है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर हो,
पड़ोसी देश काठमांडू हो, उससे और भी जो देश के कंबोडिया हो, सब जगह गणेश जी का पूजन होता है। आज का जो अफगानिस्तान है, गांधार है, शकुनी का जो प्रदेश रहा, वहाँ गणपति का प्रतिष्ठा है। आज से 1400 वर्ष पहले ऐसे राशि में, इतना तिथि में, नक्षत्र में प्रतिष्ठा अभिनम सिद्धि विनायक बिंबम, ऐसे वहाँ गांधार देश में शिलालेख उपलब्ध है। 600 एडी वर्ष का ये शिलालेख उपलब्ध है। अगस्त्य मुनि ने उनका उपासना किया, गणपति अग्रहारम करके तंजावुर में एक मंदिर है, उसका गांव का ही नाम ही गणपति अग्रहारम है। कोयम्बटूर में एक गांव है, उसका गांव का नाम है गणपति है, गणपति ये गांव का नाम है। ऐसे ये तो राष्ट्रीय मतलब देशव्यापी और गणेश जी का कृपा सबको होना, गणेश जी का कृपा से इधर जो पुण्य पत्थर में महाराष्ट्र के लिए मुख्य उपासना गणेश जी का है, उसके जो अष्ट विनायक है मोरगांव इत्यादि, और मुंबई में प्रसिद्ध सिद्धि विनायक जी है। लोग पुण्य पत्थर से देशभक्ति और देवभक्ति का जो उद्यम शुरू हुआ उसमें इस मंदिर का मुख्य स्थान है। इस मंदिर के द्वारा सब लोग प्रेम श्रद्धा भक्ति सहित विश्वस्त बनकर उसको और विस्तार करने में मंदिर का भी श्रृंगार और मंदिर का कार्यक्रम का आयोजन आगामी मंगलवार को गणेशोत्सव प्रादुर्भाव उत्सव प्राकट्य उत्सव, ऐसे ही एक संस्थान के रूप में भी इस मंदिर के विश्वस्त मंडल के द्वारा 40 एकड़ अपने पंडित जी ने भी बताया, सतारा रोड के पास 40 एकड़ जमीन सिद्ध किया है, वहाँ एक अच्छे धार्मिक संस्थान भी करने का इन लोगों का संकल्प है। इसे हमने सुना, अभी देश का निर्माण अनेक प्रकार से हो रहा है, सड़कें बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, उसको दवाई का काम हो रहा है, कारखाना आ रहा है, वो सब पहले खेती ही अपने लोग करते थे, आधुनिकीकरण और सुविधाकरण ये देश में एक तरफ हो रहा है, साथ साथ अपने धार्मिक मूल्यों को भी संरक्षण करना अत्यंत जरूरी है। इसलिए 1000 वर्ष का जो भी संकट है, जो भी संघर्ष है, जो भी संशय है, वो सब दूर हो करके देश धार्मिक के दिशा में जाने के लिए एक तरफ भौतिक विकास होना, कपड़ा मिलना, अन्न मिलना, रोजगारी मिलना, दवाई मिलना, शरीर का पुष्टि के लिए, धन संपदा के लिए एक तरफ भौतिक विकास जरूरी है, मन का विकास के लिए अच्छे भक्त होना, सदाचार व्यक्ति होना, निर्मल मन होना, विशाल मन होना, धैर्य सहित मन होना, आत्मविश्वास के साथ मन होना, परस्पर विश्वास, जितने भी लोग हैं उनके परस्पर विश्वास की जरूरत है, तभी ऐसे काम बहुत बड़ा काम हो सकता है। ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए, वैसे आत्मविश्वास, परस्पर विश्वास, ईश्वर विश्वास, ईश्वर विश्वास मतलब शास्त्रों में विश्वास, उस शास्त्रों में विश्वास रख करके गत कुछ वर्षों से अभी हमने सुना एक रुद्री का अनुष्ठान, महारुद्री का अनुष्ठान, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यप्रति कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय कर्तव्य रीति में पार्थ निश्चित मतम उत्तम। इसलिए यदि आपको हवन दान चैरिटी हो, दान तपस्या
हर घर में प्रतिदिन 5 मिनट या 10 मिनट सुबह और संध्या को भगवान के प्रति चिंतन करना, अच्छे आरती सब लोगों ने बताया, सुनकर्ता जैसे मंगलमूर्ति विघ्नहरा चिंतनाशन कृपा का, जैसे इधर जो गणेश जी का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र है, इधर 5 ज्योतिर्लिंग है, फिर भी गणेश उपासना इधर प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, जैसे गणेश जी का उपासना में जनाकर्षण के रूप में शंकराचार्य जी ने धनाकर्षण जनाकर्षण यंत्र स्थापित किया, वैसे इधर पुण्य पतन का, इसमें पुण्यार्जन का, पुण्य का पुण्य पतन बोलते हैं, इसलिए पुण्य सबको मिलने का एक अच्छा अवकाश मौका इस मंदिर के द्वारा हो रहा है। हम प्रसन्न हैं, हम कुछ दिन इधर एक वैदिक अनुष्ठान के लिए आनंदी में 1000 वेद विद्यार्थियों के द्वारा ये जो वैदिक अनुष्ठान है गोविंद देवगिरि जी के द्वारा, उनके द्वारा ये गांधी का मूर्ति भी स्थापित किया, और जैन सरस्वती स्वामी का कोशिश है, मतलब जब प्रतिष्ठा नगरी प्रतिष्ठान एकनाथ महाराज जी का जो स्थान है वहाँ जैन सरस्वती महाराज जी ने चातुर्मास किया था, तब इनके साथ जो भी उनका उपदेश है उसके द्वारा आज देश में 35-40 वेद पाठशाला का संचालन कर रहे हैं, वैसे ही इस संस्थान के द्वारा जो संकल्पित किया है अच्छे एक एक क्षेत्र ऐसे होना चाहिए, हर पंचायत में पंडित जी होना, हर मंदिर तिरुपति होना, जैसे इधर भी पुण्य पतन का तिरुपति के रूप में इसमें तो है, जैसे तिरुपति जैसे इधर का भी अच्छी व्यवस्था है, संस्था भी आने का व्यवस्था है, संस्था आने का है, उसके द्वारा अच्छे विश्वस्त मंडली के द्वारा जो भी उनको जो मौका भगवान ने दिया आपको उसके द्वारा सदुपयोग, प्रजा का धार्मिक सेवा, लौकिक सेवा जैसे होता है वैसे धार्मिक संपदा, धार्मिक सेवा होने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सम्मान हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गणेश जी का जय हो।